गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द फाइनल डे। टाइम हो गए हैं 5:15 एंड वी ऑल आर रेडी टू लीव। हमारे मथुरावासी भी रेडी हो गए, बाकी लोग नीचे चले गए और मैं नीचे जाके बैग बांधने लगा हूँ। एंड होपफुली वी लीव इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो अपना टारगेट 5:30 का था विच वी हैव अचीव्ड। तो यहाँ से जाएंगे, पहले सुहेल का दोस्त है उसके घर रस्ते में, उसको मिलना है उसने यहाँ से, विच इज जस्ट 100 किलोमीटर्स। फिर वहाँ से उससे थोड़ा रूट पता करना, बिकॉज अदर साइड के सारा टूटा हुआ है। फिर अकॉर्डिंगली हम जाएंगे आगे घर को। सो विल कीप यू पोस्टेड कि कौन सा रूट हम पकड़ रहे हैं। सो कैच यू ऑन द रोड। हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं और ये आयुष भाई की थोड़ी ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है लूप के चक्कर में। और सामने देखो क्या ब्यूटीफुल सीन लग रहा है यार, सनराइज होने वाला धीरे धीरे। अब हम जा रहे हैं सीधा बिरती फॉल। चलो भाई चलो। अभी भी सारे साथ खराब रास्ता ही चला जा रहा है, पता नहीं कितने दूर तक रहेगा। और इस एरिया में तो मुंशियारी आए हैं, एंजॉयमेंट तो बहुत किया, बट रोड नहीं है फिलहाल। और मेरे ख्याल से अगले 3 से 4 साल में इनको टाइम लगेगा इसको थोड़ा बेटरमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी आगे BRO के अंडर PWD से निकल गया है एरिया। All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. वो वाला है खलिया टॉप जाना, हमने कल जाना था जहाँ बर्फ पड़ी हुई है, देखो जहाँ हम जा नहीं सके क्योंकि वो यहाँ से पूरा का पूरा बर्फ में ढका हुआ है, तो इसलिए हम कल वहाँ जा नहीं सके। लेकिन विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, जगह अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, वेलकम श्योर अगेन। लेकिन बस ये सड़कें ठीक करा दो यार, अभी भी हम मुंशियारी के पूरे टॉप पे खलिया टॉप से आके अब हमारा नीचे को ढलान शुरू हुआ है उतरना। ये रोड देखो कितनी पतली नैरो नैरो सी है, लेकिन लेट्स होप कि थोड़ी बेटर हो आगे, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे पैचेस कम आ रहे हैं खराब वाले। मतलब मेरे बोलते ही तो आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा क्योंकि नैरो रोड है और हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो वही होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हलवा पूरी बटी, तो वो हमने करना नहीं है क्योंकि हमने अभी और डेस्टिनेशन की हलवा पूरी खानी है, पराठे खाने हैं। इस रोड पे आने का फन लगा लो या डर लगा लो भाई, ट्रेंच बहुत जबरदस्त है, एकदम गहरी खाई है, इसलिए वी आर राइडिंग वेरी स्लोली। 20-30 के ऊपर नहीं जा रहे। एक तो ऐसी रोड और ऊपर से स्टीप, ओ माय गॉड, ये कैमरे में पता कितना दिख रहा है बट ये काफी स्टीप है यार। Hmm.
वो रहा जी बिरथी वाटरफॉल, जो यहाँ का हाईएस्ट वाटरफॉल है। हाँ वो देखो ब्यूटीफुल। और ये लोग खाना ढूंढ रहे हैं। मैगी पॉइंट मस्त है भाई साहब, मस्त है। उसके प्रेशर देखो क्या सॉलिड है यार। हाँ ना ना ऊपर है नहाना थोड़ा ना इस टाइम तो। वाह 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 तनुज भैया कैसा मजा आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा। अभी रात तक और मजा आएगा जब और चलानी पड़ेगी पूरे 12-13 भी क्या 15-16 घंटे 15-16 घंटे टोटल। और ये बिरथी वाटरफॉल का पानी यहाँ से आते हुए क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये है हमारी लोकेशन आज ब्रेकफास्ट करने की एकदम। और ये उस्ताद जी हमारे जो हमें इतने प्यार से मुंसियारी लेके आए हैं, हमारे नेविगेटर, हमें नेविगेटर। दिस इज बिरथी वाटरफॉल जो हाईएस्ट वाटरफॉल है। ऊपर हम नहीं जा रहे क्योंकि कल ट्रैक करके वैसी वाट लगी पड़ी थी, अब इतने ऊपर जाना भी क्या करने हैं। अभी घर जाने का रास्ता भी पड़ा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 12-13 घंटे का। ये देखिए जूम करके ब्यूटीफुल। तो फोकस है अभी यहाँ से जल्दी जल्दी घर जाए। अभी वी आर गोना हैव फूड हेयर, मैगी और पराठे ऑर्डर करे हैं, वो खा के फिर हम निकलते हैं। और आज का मेरा कुछ इस तरह का है। और चश्मा भी चेंज कर दिया हेलमेट में, वो दूसरा चश्मा पहनने में दिक्कत हो रही थी तो ये पतला वाला लिया मैंने। हेलो हेलो हेलो। अब बिरथी फॉल के बाद रास्ता थोड़ा बेटर हुआ है। कितना हुआ है कि हाँ हम 50-40 भी गाड़ी चला पा रहे हैं। एंड एक दो पैच आए हैं पीछे, वो तो बियरेबल है, बट नाउ रोड्स आर बेटर। घबराए मिले वो तो मिलते रहेंगे छोटे छोटे से, बट स्मूथ है, बट वो टायर्ड करने वाला नहीं है। ठीक है वो क्लिप को थोड़ा खींच के इधर कर लो। हाँ हाँ अरे हाँ ओ, लेकिन वो टूट जाते हैं जल्दी। सुहेल भाई बच गए। हाँ हाँ नहीं अच्छी है, गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। थोड़ा आगे ना किसी पैच पे रोक लेते हैं। नहीं नहीं साइड स्टैंड पे नहीं है। हाँ चलो 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 यहाँ पे सड़क कितनी अच्छी है। बाइक स्लिप करी, सब ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सुख शांति। चलो बीच बीच में ऐसे ग्रेबल से आते हैं बजरी सी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्लिप हो जाती है इससे बाइक। और इसको थोड़ा सा देख के चलाना चाहिए क्योंकि हिल्स पे ये चीज़ कॉमन है। कार्स और फोर व्हीलर चलते हैं चक्कर में, ये जो बीच का पार्टीशन बन जाता है ना, ये बाइक्स के लिए बहुत स्लिपरी होता है। ये देखो आप देख रहे होगे कितना लंबा चल रहा है, ये पूरे रास्ते में ही है वैसे। और कभी भी ऐसा लगे कि बाइक स्लिप हो रही है, कुछ हो रही है, सीधा बाइक को छोड़ दो, बाइक को रोकने की कोशिश मत करो क्योंकि उसमें खुद को चोट लगने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। अगर बाइक गिर रही है जस्ट ड्रॉप इट। ये देखो आप ये देख रहे होगे ग्रेवल पूरा के रास्ते में बीच में चल रहा है इस सारा का सारा। ये मैं आ गया उसके ऊपर आपको दिखाता हुआ। ये देखो कितना सारा है। ये आ गई कपकोट की मार्केट और अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। ये देखो
और हम ढूंढ रहे हैं इस टाइम पेट्रोल, क्योंकि मेरी गाड़ी चल चुकी है अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर और सौरभ की भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पेट्रोल की। वे कप कोट के लोकल अंगूर मस्त। सुहेल का दोस्त तोड़ के लाया है, वो वेरी टेस्टी। हम पहुंच गए यहाँ पे, टाइम हो रहा है 11:30, पेट्रोल अब तक मिला नहीं है। हम देखते हैं पेट्रोल क्या करते हैं। आप भी चल रहे हैं भाई मेरे? अगला पेट्रोल 25 किलोमीटर कितनी चलेगी, नो आइडिया, लेट्स सी। ये हैं सुहेल के दोस्त जिन्होंने बड़ी अच्छी हमें दही चीनी पिलाई, सुंदर भाई। और ये पता कहाँ रहते हैं, ये वो उधर पहाड़ी के पीछे जो दिन में 5 से 7, 8, 10 चक्करियां काटते रहते हैं भाई साहब। कैसी क्रॉस कर लेता है, कितने देर का, 2 किलोमीटर है ना, 1.5 किलोमीटर है, 1.5-2 किलोमीटर ऐसे दौड़ते दौड़ते, वो भी चावल का कट्टा टांग के। हाँ, और हमें देखो, हमें कोई बोल दे ऊपर तो हमें साले 4 दिन लग जाएंगे जाने के लिए। चलो हम यहाँ से जा रहे हैं पेट्रोल ढूंढते हुए और फिर सीधा घर को। दिखा रहा है 12:30-13 घंटे अभी तक रास्ता। ये तो बंद है एक पेट्रोल पंप, नया पेट्रोल पंप लिखा था कि बोर्ड है 500 मीटर 300 मीटर 100 मीटर और आगे आए तो पेट्रोल पंप ही बंद है। भाई बोर्ड ही हटा दो, क्यों झांसा दे के रखते हो। ये हमको फाइनली पेट्रोल मिल गया है नायरा का, और नायरा जो पेट्रोल है उसका आज 2 रुपये रेट बढ़ गया है, जो कि 97 समथिंग लीटर का हमको मिला है। अब यहाँ से हमारी हिल्स रह गए हैं कुछ 160 किलोमीटर और हम ट्राई करेंगे इसको फटाफट से कवर अप कर दें और प्लेन्स पे पहुँच के ब्रेक ले आप। सो विल कीप यू पोस्टेड विद द फर्दर अपडेट्स। अल्मोड़ा अभी 40 किलोमीटर रह गया है, हम वैसे ही बिस्किट एंड वाटर ब्रेक के लिए रुके हैं, फिर अल्मोड़ा से एक मिठाई लेनी है, वो लेते हुए फिर निकलेंगे आगे घर को। मज़ा आ रहा है, घर का टाइम तो वही 12 बजे के आसपास ही है, आज राइड का मज़ा आ जाएगा। कितना किलोमीटर चलेंगे हम, 650 टोटल, अप्रॉक्सीमेटली 650 किलोमीटर हम चलेंगे टोटल वन डे। मज़ेदार सिंगल स्ट्रेच, ऑसम, नशे करके चल रहे हैं हम। देखो नशा किस चीज़ का हमको है, बाइकिंग का। और ये लड़का बड़ी अच्छी बाइक चलाता है भाई साहब, बहुत मज़ेदार। यहाँ पे हम रुके हैं बाल मिठाई लेने के लिए, सौरभ एंड सोहेल लेने गए हुए हैं, मैं और तनोज यहीं खड़े हुए हैं। अल्मोड़ा के बाद रास्ता खराब शुरू, सोचा था ये अच्छा होगा लेकिन ये रास्ता पूरा का पूरा टूटा हुआ है। कुछ टाइम पहले सुहेल और सौरभ इसी रूट से आए थे यहाँ पे, उस टाइम ये एकदम चिकनी रोड थी मस्त स्मूथ, और आज ये हालत देखो कैसी जबरदस्त है। ओ शिट, ये तो देखो ये एकदम मेकअप हो जाएगा भाई। हाँ, और ये हमारे ADB वाले भाई साहब को देखो, ये निकलते जा रहे हैं खड़े होके। भाई साहब, ओहो ADB वाले भी अभी खड़े हैं। अरे हाँ हाँ भाई, इधर ही चलो, 1, 2, 3, 4, उफ मैं भी खड़ा हो गया भाई। उफ, ये है जी अपना ब्रेक, टाइम हो गया है इस टाइम, क्या टाइम हो गया भाई कुछ समझ ना आ रहा, 6 बज गए हैं और अभी हमने स्नैक्स ब्रेक ली है। और यहाँ मैं इतनी बार आ चुका हूँ नैनीताल, लेकिन ये दही और पकोड़े में पहली बार खाया है। रायता पकोड़ा, रायता पकोड़ा, रायता पकोड़ा किस चीज़ का रहता है ये,
मस्टर्ड का, मस्टर्ड मस्टर्ड रहता सामे पकोड़े। और अभी हमको अराउंड 300 किलोमीटर और चलना है और 280 किलोमीटर हम चल चुके हैं। पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे भाई, नहीं हो रहे खत्म पहाड़, मजा आ रहा है। और ये लड़का परेशान हो गया हमारा तनुज, ब्रेक नहीं लिया था बहुत दिन से, अच्छा वाला अभी लो कम से। तनुज कैसा मजा आ रहा है बेटा? बहुत ज्यादा खुश हो गया मेरा दिल, खुश हो गया ना। वैसी राइड फिर नेक्स्ट कब करनी हमने? 270 किलोमीटर का अगले हफ्ते। और आप मथुरावासी? मेरा तो हमेशा का, मेरा तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, ये मजे ले रहे हैं क्योंकि एडीवी में है भाई, ये एडीवी में है, हम इंटरसेप्टर पे हैं। और भाई ये बंदे, ओ भाई जीटी पे भाई, इसको तो हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ इस बंदे को, जीटी पे इतना, माय गॉड, मतलब आई कांट इमेजिन एंड ही इज डूइंग इट रियली ऑसम। और ये हम लोग घुस गए हैं अब हल्द्वानी, हल्द्वानी का ट्रैफिक आपके सामने है। अभी जो हमने पीछे ब्रेक ली थी उसके बाद बॉडी फुली चार्ज हो गई है। तो आए हम घर पे 1 बजे, सुबह 6 बजे के चले हुए, रात को 1 बजे तक हमने कवर करा है अप्रॉक्सीमेटली 650 किलोमीटर, जिसके अंदर से 350 किलोमीटर सिर्फ हिल्स थी और बाकी था प्लेन 300 किलोमीटर। डिनर हमने किया मोगा ढाबा गजरोला के पास, उसका खाना अच्छा है। क्लिपिंग नहीं ली क्योंकि तब तक एग्जॉस्ट हो चुके थे, बस ये था कि घर पहुँचे। और वैसे भी जब हम निकलते हैं अलग एक्साइटमेंट होती है, ब्लॉगिंग पूरी होती है, क्लिपिंग पूरी होती है, वापसी में होता है कि बस फटाफट से घर चलो, थके हुए होते हैं। और 350 हिल्स का मतलब हो गया 700 किलोमीटर नॉर्मल एग्जर्शन वाला, वाट लगी बड़ी थी, बट ओवरऑल राइड बहुत अच्छी रही। ये 4-5-6 दिन कहाँ गए पता नहीं चला। दारचूला नेपाल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुनस्यारी ब्यूटी में ऑसम। सड़क पूरे रास्ते थी नहीं, सिर्फ ऑफ रोड, आपने देखा ही होगा नारायण आश्रम तक भी क्या हाल था, मुनस्यारी में भी क्या हाल था, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, चारों के साथ जाके अच्छा लगा। पहले भी राइड करी हुई है लेकिन आयुष से पहली बार करी, आयुष अच्छा लड़का मिला, एक नया फ्रेंड हमको मिला, वो भी ब्लॉगर है, उसका है चैनल आयुष चौधरी के नाम पर, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अब अगली जो हमारी राइड आएगी वो भी बहुत अच्छी आने वाली है, एंड वो भी हम इंटरसेप्टर पे ही जाएंगे। एंड आई टेल यू आई एम रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरसेप्टर, नो रिग्रेट्स, नॉट एट ऑल। लोग एडीवी पे जाते हैं और हम इस पे जाते हैं, बट पूरा कंपटीशन टू एडीवी है। सस्पेंशन बढ़िया, परफॉर्मेंस बढ़िया, एवरेज इस बार जो हमको मिली वो मिली 30-31 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। सो बने रहिए और अगली राइड में आपको जरूर मिलते हैं बहुत जल्दी, अ बिग राइड विच इज अंडर प्लानिंग, होपफुली जल्दी आएगी और आपको जल्दी मिलेंगे सून। तो तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, शब्बा खैर, सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे यूं ही चलते चलते, क्योंकि मुसाफिर हूं मैं यारो, सी यू सून।